प्लेटो दोस्तों, पठार। पठार भी तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्लेटो भी थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला है प्लेट टेक्टोनिक प्लेटो, वोल्केनिक प्लेटो और डिसलेक्टेड प्लेटो, डिसेक्टिव। प्लेट टेक्टोनिक प्लेटो, प्लेट टेक्टोनिक प्लेटो कौन सा होता है दोस्तों, जो प्लेट टेक्टोनिक इवेंट के कारण, जब हमने प्लेट टेक्टोनिक इवेंट पढ़ा था, हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ था, हिमालय पर्वत बने थे, तब हमने प्लेट टेक्टोनिक इवेंट पूरा का पूरा पढ़ा था, तो उन प्लेट टेक्टोनिक इवेंट के कारण प्लेटो भी बनते हैं दोस्तों, पठार भी बनते हैं, ठीक है। ओके, दूसरा है वोल्केनिक प्लेटो। वोल्केनिक प्लेटो ज्वालामुखी पठार जिसको आप लोग बोलेंगे, ज्वालामुखी पठार, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, और वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो वह उसमें से मैग्मा निकलता है दोस्तों, ठीक है। वोल्केनिज्म हम पूरा पढ़ेंगे जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो जो लावा है, जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा से गैसेज अलग हो जाती हैं और लावा जम जाता है दोस्तों, इस प्रकार से, इस तरीके से लावा जम जाता है। तो कैसा प्लेटू बनता है, वोल्केनिक प्लेटू बनता है दोस्तों, ठीक है, ज्वालामुखी पठार बनता है। तीसरा है डिसेक्टेड प्लेटू, विच्छेदित पठार, डिसेक्टेड प्लेटू। विच्छेदित पठार जिसको आप लोग बोलते हो, जो ये मेन प्लेटू है, मुख्य पठार है, ठीक है, इनके वेदरिंग के बाद, वेदर का इफेक्ट पड़ने के बाद, जैसे बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, तो जो मेन मेजर प्लेटू है, मुख्य पठार होता है दोस्तों, उसका वो टूट टूट कर कमजोर हो जाता है और उसके अंदर दरारें पड़ जाती है दोस्तों, जिसको आप लोग बोलते हो विच्छेदित प्लेटू, विच्छेदित पठार दोस्तों, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक प्लेटू, वोल्केनिक प्लेटू और डिसेक्टिव प्लेटू, ये तीन तरीके के प्लेटू होते हैं, तीन प्रकार के पठार होते हैं दोस्तों। ओके ओके, ठीक है भाई। सबसे पहले बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक प्लेटो की, प्लेट टेक्टोनिक प्लेटो की। जब प्लेट विवर्तन की घटना होती है, जब प्लेट टेक्टोनिक इवेंट होती है, तब प्लेट टेक्टोनिक प्लेटो बनते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये प्लेटो, ये पठार आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, प्लेट टेक्टोनिक प्लेटो आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, ये आप लोगों को पर्वतों के बीच में मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी जो ये पठार है, ये पर्वतों के बीच में मिलेंगे, इनके चारों ओर क्या होंगे, इनके चारों ओर माउंटेन्स होंगे दोस्तों, पर्वत होंगे, जो प्लेट टेक्टोनिक प्लेटू है, इनके चारों ओर क्या होंगे, इनके चारों ओर पर्वत होंगे, जैसे तिब्बत का पठार, वेरी गुड, ठीक है। जैसे तिब्बत का पठार है, ठीक है ना, तिब्बत का पठार कहां पर है, तिब्बत चाइना में है दोस्तों, ठीक है, जो कि कहां पर है, कौन कौन से पर्वतों के बीच में है, हिमालय पर्वत और हुनलुन पर्वत, हिमालय माउंटेन्स और हुनलुन माउंटेन्स, ठीक है। हिमालय माउंटेन्स कहां पर है, ये है दोस्तों नेपाल और इंडिया में,
कुनलुन माउंटेन्स कहां पर है? चाइना में है। क्लियर? तो इन माउंटेन्स के बीच में है कौन सा? तिब्बत का पठार, तिब्बतन प्लेट्यू। दूसरा है दोस्तों पामीर का पठार, पामीर का पठार ये कहां पर है? ये भी चाइना में है दोस्तों। ये कहां पर है? पामीर का पठार भी चाइना में है। ठीक है, ये किस किस के बीच में? हिमालय और हिंदू कुश पर्वत के बीच में। और हिमालय पर्वत और हिंदू कुश पर्वत के बीच में है कौन सा पठार? पामीर का पठार। तो ये दोनों किस तरीके के, किस प्रकार के पठार है दोस्तों? ये दोनों प्लेट टेक्टोनिक प्लेटू है, प्लेट विवर्तनी की पठार है। ओके, कैसे हैं? प्लेट विवर्तनी की पठार है दोनों। ओके, क्लियर। अभी हम बात करेंगे दोस्तों मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार, ओके। मेवाड़ का पठार दोस्तों कर लिया। मेवाड़ का पठार है, मेवाड़ का पठार है दोस्तों राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में है। अरावली की पहाड़ियों के दक्षिण पूर्व में स्थित है, राजस्थान में है। अरावली की पहाड़ियों के साउथ ईस्ट में है, दक्षिण पूर्व में। ओके, कौन सा पठार? मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार जो है ये एक रिवर है दोस्तों, यहां पर बनास रिवर। एक नदी है बनास नदी। मेवाड़ जो मेवाड़ प्लेटू है, मेवाड़ का जो पठार है वो बनास नदी का क्षेत्र है दोस्तों। कौन सी नदी का क्षेत्र है? बनास नदी का क्षेत्र है। और मेवाड़ के पठार में मिनरल्स मिलते हैं कौन कौन से? मेवाड़ के पठार में एक तो मिलता है दोस्तों सिल्वर, और एक मिलता है कॉपर। ठीक है, तो क्या क्या मिलते हैं? सिल्वर और तांबा, सिल्वर और कॉपर यहां से निकाले जाते हैं। किस कौन से पठार से निकाले जाते हैं? मेवाड़ के पठार से निकाले जाते हैं। मेवाड़ का पठार कहां पर है? राजस्थान में है। थोड़ा सा एरिया जो मेवाड़ का पठार है, मेवाड़ के पठार का थोड़ा सा एरिया एमपी में भी पड़ता है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा एरिया जो है वो मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, एमपी में भी पड़ता है। दूसरा है, इसके बाद है दोस्तों मालवा का पठार। मालवा, मालवा प्लेटू, मालवा का पठार। मालवा का पठार कहाँ है?
जो मालवा का प्लेटो है दोस्तों, मालवा का जो पठार है वो मेवाड़ के किस एरिया, मेवाड़ के पठार के किस साइड में है, दक्षिण पूर्व में है। और मालवा का पठार कहां पर है, मालवा का पठार है दोस्तों मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार एमपी मध्य प्रदेश। ओके अगर आप लोग इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं मालवा के एक रूलर का नाम। मालवा का कोई राजा था काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और जिसको अकबर ने मरवा दिया था। एक्चुअली मरवाया नहीं था, वो बच गया था, तो उसका नाम बताएं दोस्तों। ठीक है, साथ के साथ आप लोगों की हिस्ट्री भी तैयार होती चलेगी थोड़ी बहुत। मालवा प्लेटू में, मालवा का पठार कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। यहां पर कौन सी चट्टाने पाई जाती है, बेसाल्ट रॉक्स पाई जाती है दोस्तों। मालवा के पठार में कौन सी चट्टाने पाई जाती हैं, बेसाल्ट चट्टाने पाई जाती हैं, चट्टाने रॉक्स। ठीक है, दिलावर खान, दिलावर खान। अच्छा, दुर्गेश दलाल, मैं इस रोलर की बात नहीं कर रहा जो अकबर के टाइम पे था, जिसकी जो अकबर के टाइम पे था, अकबर के टाइम पे था, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, जो मालवा का पठार है यहां पे ब्लैक सोइल पाई जाती है दोस्तों, काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी पाई जाती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां पे कभी ना कभी वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा। ठीक है, बाज बहादुर था, बाज बहादुर, बाज बहादुर। और बाज बहादुर की एक पत्नी थी जिसका नाम था रूपमती बेगम, रूपमती बेगम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाज बहादुर और रूपमती बेगम। रूपमती बेगम को पाने के लिए अकबर ने बाज बहादुर के ऊपर अटैक करवा दिया था। ठीक है, और जो रूपमती बेगम थी, जब उसको मुगल पकड़ने आए थे, तो रूपमती बेगम ने अपनी अंगूठी का जो स्टोन था, जो हीरा था, वो निगल लिया था, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और रूपमती बेगम की जो कब्र थी, रूपमती बेगम की कब्र के ऊपर सात सात 8 साल बाद बाज बहादुर आया था, और उसकी कब्र के ऊपर सर पटक पटक के बाज बहादुर मर गया था। ठीक है, और जब इस बात का अकबर को पता चला तो अकबर को बहुत दुख हुआ, और फिर अकबर ने रूपमती बेगम के पास की कब्र के पास ही बाज बहादुर की कब्र भी बनवा दी थी दोस्तों। ठीक है, तो कुछ छोटी सी ये स्टोरी थी। तो काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ठीक है ना। और ये दोस्तों चंबल, चंबल रिवर, चंबल नदी का क्षेत्र है, जो मेवाड़ का सॉरी मालवा का पठार जो है वो चंबल नदी का एरिया है, चंबल नदी का क्षेत्र है। और चंबल नदी के कारण यहां पर मृदा अपरदन होता है दोस्तों, मृदा अपरदन होता है, जिस कारण यहां पर बीहड़ बन चुके हैं। बीहड़ क्या बन चुके हैं, बीहड़ बन चुके हैं, और ये बीहड़ बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, क्योंकि इन बीहड़ों में है ना डाकू वगैरह पाए जाते हैं दोस्तों, लुटेरे वगैरह इन बीहड़ों में, क्रिमिनल्स वगैरह इन बीहड़ों में पाए जाते हैं, कोई क्राइम करते हैं और इन बीहड़ों में छिप जाते हैं। तो ये है दोस्तों मालवा का पठार, मालवा का पठार। ठीक है, ओके। तो हमने पढ़ा है मेवाड़ प्लेटू, मेवाड़ का पठार, मालवा प्लेटू, मालवा का पठार। मालवा के पठार के बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है बुंदेलखंड का पठार।
बुंदेलखंड का पठार। ओके, बुंदेलखंड का पठार कहाँ है? बुंदेलखंड का पठार है दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, एमपी में और यूपी में। ठीक है ना, यूपी में इसका एरिया ज्यादा है, एमपी में एरिया कम है। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, यहां पर ग्रेनाइट चट्टाने पाई जाती हैं। कौन सी चट्टाने पाई जाती है बुंदेलखंड के पठार में? ग्रेनाइट चट्टाने पाई जाती है। ओके, कौन सी चट्टाने पाई जाती है, कौन सी रॉक्स पाई जाती है? ग्रेनाइट रॉक्स पाई जाती है, ग्रेनाइट चट्टाने पाई जाती है। कौन से प्लेटू में? बुंदेलखंड के पठार में, बुंदेलखंड प्लेटू में। ठीक है, और यहाँ पर रेड सॉइल पाई जाती है दोस्तों। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेड सॉइल पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। रेड सॉइल पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। एक बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि बुंदेलखंड प्लेटू के नॉर्थ में, बुंदेलखंड पठार के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? बुंदेलखंड प्लेटू के नॉर्थ में कौन सी रिवर, कौन सी नदी बहती है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे बुंदेलखंड के पठार के उत्तर में बहती है कौन सी नदी बहती है? यमुना रिवर बहती है दोस्तों, यमुना रिवर, यमुना नदी बहती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है दोस्तों, यमुना रिवर है। ओके, लाल मिट्टी पाई जाती है, ग्रेनाइट चट्टाने पाई जाती है। इसके बाद है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है बघेलखंड का पठार। बघेल, बघेल खंड का पठार भी कहाँ पे पाया जाता है? कहाँ है पाया जाता, नहीं कहाँ है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी है, यूपी और एमपी में है दोस्तों। ओके ओके अगर जो बघेलखंड प्लेटू है, एक तो है दोस्तों सोन नदी, सोन रिवर, सोन नदी, और एक है महानदी। सोन नदी और महानदी, सोन नदी और महानदी को कौन सा प्लेटू, कौन सा पठार अलग अलग करता है? तो आप लोग बताएंगे सोन नदी और महानदी को जो प्लेटू अलग अलग करता है वो है बघेलखंड प्लेटू, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड प्लेटू, बघेलखंड का पठार। ठीक है, सोन नदी और सोन नदी और महानदी को अलग अलग करता है। क्लियर? ओके, यहां पे है दोस्तों अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां, इनके नीचे है विंध्याचल की पहाड़ियां, विंध्याचल के नीचे है सतपुड़ा की पहाड़ियां। तो अरावली की पहाड़ियां, विंध्या की पहाड़ियां, अरावली माउंटेन्स, विंध्या माउंटेन्स और सतपुड़ा माउंटेन्स, मेवाड़ प्लेटू, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू और बघेलखंड प्लेटू, इन सभी को मिलाकर क्या क्या? अरावली की पहाड़ियां, प्लस मालवा का पठार, प्लस मेवाड़ का पठार, प्लस बुंदेलखंड प्लेटू, प्लस बघेलखंड प्लेटू, का पठार, प्लस विंध्या हिल्स, विंध्याचल की पहाड़ियां, प्लस सतपुड़ा हिल्स, सतपुड़ा की पहाड़ियां,
इन सभी को मिलाकर क्या बोला जाता है, इन सभी को मिला के बोला जाता है सेंट्रल हाइलैंड्स। केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाइलैंड्स, केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि। सेंट्रल हाइलैंड्स क्या क्या है? अरावली हिल्स, मालवा प्लेटू, मेवाड़ प्लेटू, बुंदेलखंड, बघेलखंड प्लेटू, विंध्या हिल्स और सतपुड़ा हिल्स, इन सभी को मिला के बोला जाता है दोस्तों। क्लियर? ओके। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे? और हिस्ट्री भी आप लोग साथ के साथ बहुत अच्छे तरीके से, आप लोगों की क्लासेस लग रही हैं तो अच्छे तरीके से आप लोग हिस्ट्री भी प्रिपेयर करें दोस्तों। जी बिल्कुल, दक्कन का जो पठार है, दक्कन जो प्लेटू है, वो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटू है दोस्तों। क्लियर? ओके। कहाँ है? दक्कन का पठार साउथ इंडिया में, यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, वेस्ट में है, पूर्व में है दोस्तों, पूर्वी घाट की पहाड़ियां, पश्चिम में है, पश्चिम घाट की पहाड़ियां, नॉर्थ में है, उत्तर में है सतपुड़ा हिल, सतपुड़ा की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां दोस्तों। और साउथ में है, दक्षिण में है ब्लू माउंटेन्स, नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां। कौन सा प्लेटू? दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार है दोस्तों। ठीक है, कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को तीन भागों में बांटा गया है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दोस्तों। दक्कन ट्रैप, कर्नाटका प्लेटू और आंध्रा प्लेटू। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है, दक्कन, ट्रैप और कर्नाटक का पठार, कर्नाटक प्लेटू, और तीसरा है आंध्रा का पठार, आंध्रा प्लेटू। तीन भागों में दक्कन के पठार को बांटा गया है। क्लियर? जो दक्कन का पठार है, इसमें बेसाल्ट चट्टाने पाई जाती है दोस्तों, और ब्लैक सॉइल पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है,
दक्कन ट्राइब में, दक्कन के पठार में बेसाल्ट रॉक्स पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। इसका भी क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी कभी ना कभी वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, ज्वालामुखी उद्गार हुआ होगा। ठीक है, जो कर्नाटक का पठार है, कर्नाटक का पठार जो वो एरिया है जहां पर मैंने हमने पढ़ा था माउंटेन्स में बाबा बुदन नाथ की पहाड़ियां। ठीक है, कुद्रे मुख हिल्स, कुद्रे मुख की पहाड़ियां, बाबा बुद्ध नाथ की पहाड़ियां। ठीक है, कुद्रे मुख हिल्स, बाबा बुद्ध नाथ की पहाड़ियां। बाबा बुद्ध नाथ की पहाड़ियों में अरब से एक संत आया था, बाबा बुद्ध नाथ ही उसका नाम था, और उसने यहां पर आके क्या किया था, कॉफी की खेती स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, कर्नाटका जो प्लेटू है यहां से निकाला जाता है आयरन ओर। ठीक है, लोह अयस्क यहां से क्या निकाला जाता है दोस्तों? आयरन ओर निकाला जाता है, लोह अयस्क निकाला जाता है। ओके, आंध्रा जो प्लेटू है, आंध्रा का जो पठार है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, ये वो एरिया है जो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का एरिया है। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का ये एरिया है, और ये एरिया जो ये प्लेटू है, जो ये पठार है आंध्र प्रदेश में, दक्कन का जो पठार है आंध्र प्रदेश में, जो दक्कन के पठार का जो पार्ट है, ये एरिया चावल की खेती के लिए काफी फेमस है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो ये है भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा पठार, जिसको आप लोग बोलते हो दक्कन का पठार। फिर आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारत का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार, हाईएस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन से पठार की, कौन से प्लेटू की हाइट इंडिया में सबसे ज्यादा है? इंडिया का ऐसा कौन सा पठार है जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है? कमेंट करके फटाफट बताएं, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं। ऊंचा, ऊंचा ये बड़ा है, ऊंचा नहीं है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों लद्दाख का पठार। लद्दाख प्लेटू भारत का सबसे ऊंचा प्लेटू है, सबसे ऊंचा पठार है, और इसकी हाइट है 3,000 मीटर। हाइट कितनी है? हाइट है 3,000 मीटर। ठीक है, बड़ा दक्कन का पठार है लेकिन ऊंचा लद्दाख का पठार है दोस्तों। ओके ओके, एक आप लोगों ने सुना होगा दंडकारण्य प्लेटू, यहां पे है एक पठार। कहां पे? थोड़ा सा ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। थोड़ा सा ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। और थोड़ा सा है ये उड़ीसा में, उड़ीसा में। कौन सा पठार? दंडिका रण्य पठार। ठीक है, ओके। सुना आप लोगों ने नाम दंडकारण्य प्लेटू, दंडकारण्य पठार, हाँ या ना? छत्तीसगढ़ में है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में है। यस सर, वेरी गुड, सुना है तो अच्छी बात है। क्या खास बात है इस पठार की? इस पठार की क्या खास बात है? दंडकारण्य जो प्लेटू है, दंडकारण्य पठार जो है, इसकी क्या खास बात है दोस्तों, बताइए आप लोग एक बार।
तब तक मैं छोटी सी एक और बात बता देता हूँ कि जो दंडकारण्य प्लेटू है ये सबरी सबरी रिवर सबरी नदी का क्षेत्र है, सबरी नदी का एरिया है। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें मिनरल्स खनिजों की भरमार है दोस्तों, खनिज के रिजर्व इसमें सबसे ज्यादा है, खनिज पदार्थ इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दंडकारण्य प्लेटू जो है इसमें खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन निकालने कौन से पठार से जाते हैं, छोटा नागपुर के पठार से। सबसे ज्यादा खनिज कौन से प्लेटू से निकाले जाते हैं, छोटा नागपुर के पठार से निकाले जाते हैं दोस्तों, छोटा नागपुर प्लेटू पठार। भारत में इंडिया में सबसे ज्यादा मिनरल्स कहां पर रिजर्व है तो आप लोग बताएंगे दंडकारण्य प्लेटू में, लेकिन सबसे ज्यादा निकाले कहां से जाते हैं, छोटा नागपुर के पठार में। इस प्लेटू से इस पठार से ज्यादा मात्रा में मिनरल्स क्यों नहीं निकाले जाते, क्योंकि जो एरिया है ये जो इलाका है ये पिछड़ा हुआ इलाका है और यहाँ पर इतने संसाधन या साधन नहीं है कि यहाँ से ज्यादा मात्रा में मिनरल्स निकाले जाए। ओके, सबसे ज्यादा कौन से पठार से मिनरल्स निकाले जाते हैं तो आप लोग बताएंगे सबसे ज्यादा छोटा नागपुर के पठार से मिनरल्स निकाले जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार कहां पर है, छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों थोड़ा सा बिहार में, झारखंड में इसका एरिया सबसे ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा उड़ीसा में और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल में। कहाँ कहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार जो है ये झारखंड में है, बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है और उड़ीसा में है, ठीक है। छोटा नागपुर का जो पठार है ये लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितना, लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में छोटा नागपुर का जो पठार है ये फैला हुआ है, और छोटा नागपुर के पठार से भारत में सबसे ज्यादा मिनरल्स निकाले जाते हैं, इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का क्या बोला जाता है, भारत का रूर, भारत का रूर बोला जाता है छोटा नागपुर के पठार को। रूर किस एरिया को बोला जाता है, रूर उस एरिया को बोला जाता है जहां से मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में निकाले जाए, जहां से मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में निकाले जाए उस एरिया को क्या बोला जाता है, जहां पर मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में निकाले जाए उस एरिया को बोला जाता है रूर दोस्तों। तो भारत का रूर किसे बोला जाएगा, भारत का रूर बोला जाएगा छोटा नागपुर के पठार को, ठीक है। ओके, छोटा नागपुर के पठार से मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों निकाले जाते हैं दोस्तों। कोयला भी कहां से निकाला जाता है, छोटा नागपुर के पठार से कोयला भी निकाला जाता है, और सबसे ज्यादा कोयला कहां से निकाला जाता है, झारखंड से सबसे ज्यादा कोयला निकाला जाता है दोस्तों, ठीक है। और झारखंड में कोयले की एक संस्था भी है जिसको आप लोग बोलेंगे सेंट्रल कोल फील्ड, क्या बोलेंगे, सेंट्रल कोल फील्ड। क्या बोलेंगे दोस्तों, सेंट्रल कोल फील्ड। सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है, सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर है दोस्तों रांची में। सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर कहां है, सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर है रांची, रांची में। क्लियर, ओके। तो भारत का रूर बोला जाता है छोटा नागपुर के पठार को, छोटा नागपुर के पठार से सबसे ज्यादा मिनरल्स का प्रोडक्शन किया जाता है इंडिया में। अगर सबसे ज्यादा मिनरल्स रिजर्व कहां पर है तो आप लोग बताएंगे सबसे ज्यादा मिनरल्स रिजर्व है दंडकारण प्लेटू में। ओके, लेकिन दंडकारण प्लेटू से मिनरल्स निकाले नहीं जाते, अभी तक नहीं निकाले जाते ज्यादा मात्रा में, अभी तक नहीं निकाले जाते, ठीक है। फ्यूचर में निकाले भी जाएंगे दोस्तों, फ्यूचर में निकाले भी जाएंगे। रूर किसे बोला जाता है, जहां पर मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में निकाले जाते हैं उस एरिया को रूर बोला जाता है। तो भारत का रूर किसे बोलेंगे, छोटा नागपुर प्लेटू को भारत का रूर बोलेंगे, रूर रूर बोलेंगे। ओके, यहाँ पे है मेघालय, और मेघालय में है शिलोंग प्लेटू, मेघालय में है शिलोंग प्लेटू, शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार।
शिलोंग प्लेट, शिलोंग का पठार दोस्तों। ठीक है ओके। तो जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार का जो नॉर्थ एरिया है वो वोल्केनिक इरप्शन से बना है, इसलिए दक्कन के पठार का नॉर्थ एरिया को बोला, आप लोग बोल सकते हो वोल्केनिक प्लेटू। ठीक है ओके, वोल्केनिक प्लेटू। और एक बोलिविया में है, बोलिविया साउथ साउथ अमेरिका, बोलिविया साउथ अमेरिका में बोलिविया प्लेटू है दोस्तों। बोलिविया प्लेटू भी वोल्केनिक प्लेटू है। काफी करनी क्या, ओके क्लियर। शिलोंग का प्लेटू जब हमने माउंटेन्स पढ़ी थी तो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों के बिल्कुल नीचे हमने क्या पढ़ा था, बिल्कुल नीचे पढ़ा था शिलोंग का पठार। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मेघालय में। हाँ मेघालय में है शिलोंग का प्लेट, मेघालय में। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार दोस्तों कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बतन प्लेटू, तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। ठीक है तिब्बत का पठार। और थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि तिब्बत का पठार कौन कौन सी पहाड़ियों के बीच में, कौन कौन सी माउंटेन्स के बीच में है। तिब्बत प्लेटू जो है, तिब्बत का पठार जो है वो कुनलुन माउंटेन्स और हिमालय माउंटेन्स के बीच में है, जो कि दुनिया का सबसे अमीर। चलो दोस्तों आप लोग ये बताएं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे बोला जाता है? दुनिया की छत किसे बोला जाता है? आज का लास्ट क्वेश्चन, दुनिया की छत किसे बोला जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पामीर के प्लेटू, वेरी गुड ओके। पामीर का पठार शायद हमने हिमालय और हिंदू कुश के बीच में बताया था। अगर ये बताया है तो मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। पामीर का पठार दुनिया का सबसे बड़ा पठार है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, दुनिया की छत बोला जाता है तो चाइना में। लेकिन पामिर का पठार जो है हिंदू कुश और ताइसान माउंटेन्स के बीच में है, ताइसान माउंटेन्स। ताइसान और हिंदू कुश माउंटेन्स। ताइसान पर्वत, हिंदू कुश कुश पर्वत के बीच में है पामीर का पठार, पामीर का पठार जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पठार है दोस्तों, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पठार है। क्लियर ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही हम रखेंगे।
आज की सभा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा।